हेलो स्टूडेंट, आई एम गामी सफीरा। सब्जेक्ट हिंदी, स्टैंडर्ड 6, चैप्टर 5। चैप्टर का नाम है ये पल जाते यहीं ठहर। इस कविता में कवि भगवती प्रसाद द्विवेदी अपने बचपन के दिनों को याद करते हैं। वे सोचते हैं कि बारिश में नहाना, दादी माँ से कहानी सुनना, लुक छिप कर आम चुराना, माँ से छोटी छोटी बातों पर रुठ जाना, जैसे पल अगर ठहर सकते तो कितना अच्छा होता। उन्हें लगता है कि बचपन जीवन का सबसे मस्त समय होता है। तो ये जो पोएम है उसमें बचपन की बात की गई है। पर्वत, झरना, नदी, नहर, जीवन चाहता यहीं ठहर। कभी तितलियों के संग उड़ना, बुलबुल जैसा गाना, कभी कुदकती गोरैया से गुल मिलकर बतियाना। लग जाते पैरों में पर ये पल जाते यहीं ठहर। कवि इस पंक्ति में क्या कहते हैं कि जिस तरह से नदी, झरना, नहर सदा बहते रहते हैं, उसी तरह से पर्वत भी रूप बदलते रहते हैं, उसी तरह जीवन में भी सदा परिवर्तन आते रहते हैं। बचपन का समय बीत जाता है और युवावस्था आती है, फिर बुढ़ापा आता है। कवि कहते हैं कि काश हमारे बचपन के सुहाने पल ठहर सकते। बचपन में जो तितलियों के पीछे भागना, बुलबुल की तरह चहकना, गोरैया से बातें करना, गोरैया यानी मीन्स जो गोरैया नाम की जो चिड़िया होती है उसकी बात की गई है कि आज वो दिन बहुत याद आते हैं। और कभी पतंग लूटने को खुददंगी दौड़ लगाना, आंधी में लुक छिप कर बगिया में आम चुराना, मगर लक्कड़ सुंघवा का दर भरमाते क्षण यहीं ठहर। इस काव्य पंक्ति में कवि याद करते हैं कि कैसे हम बचपन में पतंग लूटने के लिए दौड़ लगाते थे। आंधी आने के बाद आम के बाग में चुपके से जाकर गिरे हुए आम चुराते थे और लक्कड़ बगधे के डर से भाग आते थे। कितना अच्छा हो जाए यदि बचपन का यह समय लौट कर आ जाए। जानबूझकर भीग भीग बारिश में खूब नहाना, इधर उछलना उधर फिसलना, बस्ता ले गिर जाना, बरसे मेघा छहर छहर, बरसाते दिन यहीं ठहर। कवि इस पंक्ति में कहते हैं कि बचपन में बारिश में भीगने में बहुत आनंद आता था। बच्चों को बारिश में नहाना और जानबूझकर फिसलना, बारिश में स्कूल से घर वापस आते हुए बस्ता लेकर उछलना कूदना बहुत अच्छा लगता है। कवि भी अपने बचपन के इन शरारतों को याद करते हुए कहते हैं कि बचपन के और बरसात के वो दिन यहीं ठहर जाते तो बहुत अच्छा होता। ताल तलैया में कागज़ की नैया का तैराना, कुत्ते बिल्ली बछड़ों को ललकार खुद दौड़ाना, मेंढक बन करते तर तर रट्टू मनवा यहीं ठहर। इन काव्य पंक्ति में कवि कहते हैं कि रुक रुक कर बादलों का बरसना और कागज़ की नाव बनाकर छोटे छोटे तालाबों में उन्हें तैराना और कुत्ते बिल्ली गाय बछड़ों के पीछे भागना और बरसाती मेंढकों की तरह 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 की आवाज़ निकालना जैसे शरारतें बहुत याद आती है। तो कवि अभी अपने बचपन के दिन याद करते हो और जिस तरह से हम भी छोटे थे तो नाव बनाकर तालाबों में और बारिश के पानी में रखते थे, वो दिन याद कर कर कवि बोलते हैं कि वो दिन काश यहीं ठहर जाते। और कवि कहते हैं कि काश मेरे मन में ये सब यादें सदा के लिए ठहर जाए। कभी रूठना टॉफ़ी बिस्कुट की खातिर रिरियाना, माँ की मीठी डांट सुनना और कभी गुस्सा ना लगे, दूध जो रखा जहर नखरी ले क्षण यहीं ठहर। कवि इन पंक्ति में कहते हैं कि अपने बचपन की शरारतों को याद करते हुए कि टॉफ़ी और बिस्कुट के लिए माँ से जिद करते थे और न मिलने पर रुझ जाते थे, फिर माँ दुलारती थी, प्यार से मनाती थी, माँ दूध देती थी तो हमें उसे न पीने की जिद करते थे,
दूध ऐसा लगता था मानो कोई कड़वी चीज़ पी रहे हो, जैसे जहर हो। ऐसा नखरा अब नहीं कर पाते तो कवि वो पल को बोलते हैं कि काश वो पल यहीं ठहर जाते। दादी माँ से जिद कर कर नियमित कथा कहानी सुनना, राजा रानी परी लोगों के अनगिन किस्से बुनना, खहरे सा भागता पहर रुक जा थम जा यही ठहर, भगवती प्रसाद द्विवेदी। इस काव्य पंक्ति में कवि कहते हैं कि बचपन में दादी माँ से कहानियाँ सुनना और राजा रानी की कहानी, परियों की कहानी बहुत अच्छी लगती थी। फिर राजा रानी की परियों की कल्पना और खुद को उनसे जोड़ना अब सब सपना जैसा लगता है। बचपन का यह समय बीत गया जैसे सामने से खरगोश भागता हुआ निकल जाता है, उसी तरह से कवि कहते हैं कि काश बचपन का वह समय, बचपन की मीठे यादें कभी खत्म न हो और समय ऐसे ही रुक जाए। तो बच्चों, ये पोएम में बचपन की जो यादें हैं उसकी बात की गई है कि बचपन में कवि कौन से खेल खेलते थे और किस तरह से मस्ती करते थे और दादी माँ से कथा कहानी सुनते थे, वो सब यादें याद करते हो और उस समय को वहीं ठहर जाने की बात करते हैं। तो यह कविता में कवि अपने बचपन को याद कर रहे हैं। और कवि किसके साथ घुल मिलकर क्या करते थे, तो कवि गोरैया और बुलबुल के साथ घुल मिलकर बातें करते थे। कवि नाव किस में तैराई जाती थी, कवि की जो नाव थी वो छोटे छोटे तालाबों में तैराई जाती थी। कवि बचपन में माँ से क्या मांगते थे, तो कवि बचपन में माँ से टॉफ़ी बिस्कुट मांगते थे। एग्ज़ाम में ऐसा पूछा जाए कि कवि को बचपन में आम चुराते समय किसका डर रहता था, तो किसका डर रहता था, आम चुराते समय लक्कड़ बग्घे के आ जाने का डर रहता था। और बारिश के मौसम में कवि को क्या क्या करना अच्छा लगता था, तो बारिश के मौसम में कवि को बस्ता लेकर उछलना कूदना, फिसल कर गिर जाना, छोटे तालाबों में कागज़ की नाव तैराना, गाय और बछड़ों के पीछे भागना, मेंढक की तर तर की आवाज़ की नकल करना, यह सब कवि को बचपन में अच्छा लगता था। दादी माँ से जिद कर कर क्या सुना जाता था, तो दादी माँ से जिद करके परियों और राजा रानी की कहानियाँ सुनते थे। कविता में बचपन के किन क्षणों को ठहरने के लिए कहा गया है, कविता में तितलियों को पकड़ना, पतंग लूटने के लिए भागना, बारिश में भीगना, कागज़ की नाव तैराना, माँ से जिद करना और डांट खाना, दादी माँ से कहानियाँ सुनना और बचपन के मधुर क्षणों को ठहरने के लिए कहा गया है। आई होप आपको ये पोएम में उसका भावार्थ समझ में आ गया होगा। अभी आपका होमवर्क है जो लिखित और मौखित क्वेश्चन आंसर है और जो भाषा ज्ञान के क्वेश्चन आंसर है, तो वो आपको होमवर्क में करना है। लिखित और मौखित क्वेश्चन आंसर आपको नोटबुक में लिखना है और जो भाषा ज्ञान के क्वेश्चन है वो आपको क्या करना है, आपकी टेक्स्ट बुक में लिखना है। ओके, थैंक्स वॉचिंग माई वीडियो।